हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज हम एससीईआरटी की तरफ से दी जाने वाली रीडिंग कैंपेन न्यूमरेसी की वर्कशीट नंबर 10 सॉल्व करेंगे, जो कि 28 जनवरी 2022 की है। बच्चों, आज की वर्कशीट क्लास 4th के लिए है और थीम है फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो चलिए वर्कशीट सॉल्व करते हैं। पौधा घर, प्लांट नर्सरी। सान्या के पिताजी पौधा घर में माली हैं। पौधा घर में विभिन्न प्रकार के फूलों और फलों के पौधे हैं। चूँकि सान्या को प्रकृति से बहुत लगाव है, इसलिए उसे पिताजी के साथ पौधा घर जाना पसंद है। एक दिन जब वह बहुत दिनों के बाद वहां गई तो उसने देखा कि पौधा घर में बहुत सारे नए पौधे उगे थे, जिनके नाम वह नहीं जानती थी। उसने अपने पिताजी से उनके नाम पूछे। पिताजी ने सभी पौधों के नाम बताए। सान्या ने एक सूची बनाई जिनमें पौधों के नाम और पौधाघर में उनकी संख्या थी। आइए उसकी सूची को देखकर कुछ प्रश्नों के उत्तर दें। तो बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक तालिका दी गई है, जिसमें फूलों के पौधे, पौधों की संख्या और संख्या को शब्दों में अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में लिखना है। पहला कौन सा पौधा है फूल का? गेंदा। पौधों की संख्या 132, संख्या को लिखेंगे शब्दों में 132 और अंग्रेजी में 132। दूसरा फूल का पौधा है सूरजमुखी। पौधों की संख्या 92, तो यहाँ पर शब्दों में लिखेंगे 92 और अंग्रेजी में लिखेंगे 92। बच्चों, 92 को 92 या 92 कुछ भी लिख सकते हैं। तीसरा पौधा है गुलबहार का। गुलबहार के फूल के पौधों की संख्या है 76, शब्दों में लिखेंगे 76 और अंग्रेजी में 76। फिर है चमेली। चमेली के फूलों के पौधों की संख्या है 189, शब्दों में लिखेंगे 189 और अंग्रेजी में लिखेंगे 189। नेक्स्ट है गुड़हल। पौधों की संख्या है 202, शब्दों में लिखेंगे 202 और अंग्रेजी में लिखेंगे 202। नेक्स्ट है चंपा के फूलों के पौधे। पौधों की संख्या है 154, शब्दों में लिखेंगे 154 और अंग्रेजी में लिखेंगे 154। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फलों के पौधे हैं सेब के पौधे। पौधों की संख्या है 180, संख्या में लिखेंगे 180 और अंग्रेजी में लिखेंगे 180। जामुन के पौधों की संख्या है 109, अंग्रेजी में लिखेंगे 109। आम के फलों की संख्या है 122, अंग्रेजी में लिखेंगे 122। अनार के पौधों की संख्या है 56, इसे शब्दों में लिखेंगे और अंग्रेजी में लिखेंगे 56। अमरूद के पौधों की संख्या है 95 या 95, तो आप 95 लिखेंगे वो भी ठीक है या 95 लिखेंगे वो भी ठीक है और अंग्रेजी में लिखेंगे 95। बच्चों, भाषाओं के आधार पर हम हिंदी में उच्चारण अलग अलग करते हैं। कई जगह 95 बोलते हैं, कई जगह 95 बोलते हैं, परंतु ये सही होता है। नेक्स्ट है पपीता। पपीता के फलों के पौधे की संख्या है 173, संख्या को शब्दों में लिखेंगे 173 और अंग्रेजी में लिखेंगे 173। चलिए अब यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों को करते हैं। पहला प्रश्न, फूलों के पौधों को उनकी संख्या के अनुसार आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको आरोही अर्थात बढ़ते क्रम में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गुलबहार 76, सूरजमुखी 92 कितना होता है 92, उसके बाद गेंदा के फूलों की संख्या है 132, उसके बाद चंपा के फूलों के पौधों की संख्या है 154, फिर चमेली 189 और फिर गुड़हल 202।
तो यहाँ हमने फूलों के पौधों को उनकी संख्या के अनुसार आरोही क्रम में लिख दिया है। प्रश्न दो, गेंदे के पौधे चमेली के पौधों से कितने कम हैं? तो बच्चों यहाँ हमें गेंदे के पौधे चमेली के पौधों से कितने कम हैं लिखना है। चमेली के पौधे हैं 189 और गेंदे के पौधे हैं 132, तो 189, 189 में से हम 132 घटाएंगे तो उत्तर प्राप्त होगा 57। तीसरा, सेब के पौधे अमरूद के पौधों से कितने ज़्यादा हैं? तो सेब के पौधे अमरूद के पौधों से कितने ज़्यादा हैं? सेब के पौधे हैं 180, अब उसमें से अमरूद के पौधे घटाएंगे जो कि 95 हैं, 180 में से 95 घटाएंगे तो उत्तर प्राप्त होगा 85, तो यहाँ 85 लिखेंगे, 85। क्वेश्चन 4, फूलों के कुल कितने पौधे हैं? तो यहाँ आपको बताना है कि फूलों के कुल कितने पौधे हैं। तो यहाँ हम सभी संख्याओं को, फूलों के पौधों की जितनी भी संख्या है उनको जोड़ देंगे तो हमें उत्तर प्राप्त होगा। तो यहाँ हम 76+92+132+154+189+202 इन सबको जोड़ेंगे तो उत्तर प्राप्त होगा 845। पांचवा प्रश्न, फलों के कुल कितने पौधे हैं? तो यहाँ हम फलों के पौधों को जोड़ेंगे तो उत्तर प्राप्त होगा। तब फलों के पौधों को जोड़ेंगे 180+109+122+56+95+173, तो कुल फलों के पौधों की संख्या हो जाएगी 735। अब यहाँ पर छठा प्रश्न है, किसके पौधे ज़्यादा हैं, फूल या फल कितने ज़्यादा हैं? तो आपको ये भी बताना है कि किसके पौधे ज़्यादा हैं और कितने ज़्यादा हैं। तो इसका उत्तर लिखेंगे, सबसे ज़्यादा पौधे किसके हैं, फूल के, और कितने हैं, 845, और फलों के पौधे हैं 735। तो 845 में से 735 घटाएंगे तो उत्तर आएगा 110। तो यहाँ हम लिखेंगे, फूलों के पौधे फलों के पौधे से 110 ज़्यादा हैं। तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।